मां सनसिंगाबाद, हमारी मांगे मांग तो पूरी करनी होगी, वेतन मांग देना होगा, निमितीकरण करना होगा। आज लगभग 17-18 दिन है, 17-18 दिन है, चार तारीख 2022 से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रदेश स्तर के प्रत्येक जिले मुख्यालय और विकासखंड स्तर पर अपने अपने जिला मुख्यालय और विकासखंड स्तर पर 4 अप्रैल 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मनरेगा महासंघ बैठा हुआ है। हमारी शासन से दो सूत्री मांगे हैं। पहला तो शासन द्वारा जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया था संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का, पहला वो है। और दूसरा हमारा वादा मांग है पंचायत कर्मी नियमावली 1966 के तहत समस्त मनरेगा कर्मचारियों को पंचायत नियमावली 1966 लागू है। प्रदेश स्तर पे यह धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन हड़ताल, और हमारे साथी 12 अप्रैल से दंतेवाड़ा जिले से दांडी यात्रा आरंभ कर चुके हैं और वो अभी धमतरी जिले में आ गए हैं और कुछ ही दिनों में रायपुर में वो पहुँचने वाले हैं, जो प्रदेश स्तर का धरना प्रदर्शन और रैली होगी प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर। शासन ने जन घोषणा पत्र में अपने चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र निकाला था, जिसमें उसने अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों को सरकार बनने के 10 दिन के बाद में मांगे पूर्ण करने की बात कही थी। आज 3.5 साल हो जाने के उपरांत भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी लोगों द्वारा हमारे बारे में कोई सुध नहीं ली गई है, जिसके चलते में हम पूरे मनरेगा कर्मचारी महासंघ, ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से लेके राज्य कार्यालय के सभी कर्मचारी वर्तमान में शांतिपूर्ण ढंग से दांडी यात्रा निकाले हैं, जो कि दिनांक 12 तारीख से 12 अप्रैल से दंतेवाड़ा से निकल करके आज दिनांक में धमतरी तक पहुँचे है। और हमारे आगे रणनीति है कि हम शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी वार्ता को उनको पहुँचाना चाहते हैं, ताकि वो हमारी मांगों को एक संवेदनशील निगाहों से देख करके पूरी करें। इससे हमारी अभी रोजगार गारंटी योजना पूरे जिले में ठप पड़ा हुआ है और करीबन इसमें शासन को जो केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होता है उसमें भी हमको नुकसान हो रहा है, और हमारी जो जनता जो गांव में मजदूर है, जिनको हमने पुराने कोरोना काल में कि जिस समय में किसी को काम नहीं था, उस समय हमने कोरोना के समय में अपने जान पे खेलते हुए उनको रोजगार उपलब्ध कराया, पलायन रोका है, उस हमारे समर्पण को सरकार हमारा सुन नहीं रहा है, जिसके कारण हमको ये कदम उठाना पड़ा है। और हम पहले गांधीगिरी करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को शासन तक लाएंगे और कुछ दिनों में ही हमारे पूरे संगठन यहाँ पे पहुँच करके आगे के आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। बस माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो हमारी संवेदनाओं को समझ करके एक शांतिपूर्ण रूप से वो भी घोषणा कर दे, ताकि आगे जो पलायन वलायन की स्थिति होने वाली है जिले में ये बंद हो जाए और हम लोग को अपना वादा पूरा करके खुश करें। के सभी अधिकारी कर्मचारी सभी लोग यहाँ धरना स्थल पर आके बैठे हुए हैं और इतनी अधिक गर्मी है, हमको यहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है ना किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और हम लोगों को समय पर हम लोग की तनख्वाह भी नहीं मिल पाती है हम लोगों को। और हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, ताकि हम लोग वापस अपने कार्यों पर लौट के कार्य कर सके, ताकि इतनी गर्मी का सामना ना करना पड़े हम लोग। पावनी मिश्रा है, सहायक प्रोग्रामर जनपद धरसीवा से।